मोगा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खराब करने पहुंचे ठेका मुलाजिम, किसान और अध्यापक। पुलिस, किसान और महिलाओं में झड़प तक हुई है। नौकरी पक्का करने की मांग लगातार अध्यापकों की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ठेका मुलाजिम और तमाम वर्ग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सरकार विरोधी नारे लगाए गए, नवजोत सिंह सिद्धू को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। जो ठेका मुलाजिम है उनकी तरफ से बात लगातार कही जा रही है कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि नौकरी पर पक्का किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें 5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं, सरकार ने वादों को पूरा नहीं किया है, इसलिए पंजाब सरकार को विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे तो उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो ठेका मुलाजिम है उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी ठेका मुलाजिमों को पक्का नहीं किया गया है और लगातार इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। असी जी पंजाब के जो समूह 13,000 कच्चे मुलाजम, असी पिछले लंबे समय तो जो पंजाब के सरकारी स्कूलों पढ़ा रहे हैं, पिछले 51.5 दिनों तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मोहाली की छत पर, ठीक है, साढ़े साथी चढ़े हुए हैं। पंजाब सरकार ने 7 जुलाई में साढ़े वादा किया कि असी एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें पक्के करना कैबिनेट चो मता पास करा। अज एक महीना भी बीतने के बावजूद भी पंजाब सरकार ने जरा सानू पक्के कर दिया, कैबिनेट की मीटिंग नहीं की, तो टालम टोल की नीति बनाई आ। अज इतने जोड़े मंत्री या पंजाब के किसी भी पार्टी संबंधित हो जोड़े किसानी अंदोलन के विरुद्ध बयान देंगे, असी प्रवान नहीं करा। अगे इलेक्शन आ रहे हैं, कोई चुटकले सुना के पंजाब सरकार बना फिर असी हरगिज इदा का बर्दाश्त नहीं करा। असी चाहते कि इतने कोई 2 निकाती 5 निकाती प्रोग्राम नहीं, इतने 50 निकाती प्रोग्राम चाहिए आ किसानी लिए, जवानी लिए, रुजगार लिए, विद्या लिए। असी जरा उदू पासे गल करने की कोशिश करेगा असी बर्दाश्त नहीं करा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी होवे चाहे अकाली हो, बीजेपी का लगातार असी विरोध कर ही रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन ओकारा जुड़ गए हैं। विपिन ओकारा, किस तरीके की मांग कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है और फिलहाल प्रशासन का क्या रवैया है? चूंकि ये बात सामने आ रही है कि एक महीना पहले प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव पारित होते के साथ ही इन ठेका मुलाजिमों को पक्का कर दिया जाएगा, इस पर कितना सरकार अडिग है? बिल्कुल, पंजाब सरकार की ओर से कल जो एक ऐलान भी किया गया था कि 66,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको जो पक्के करने की बात चल रही थी, उनमें अगर बात की जाए पंजाब की, तो यहाँ पंजाब भर में जितने भी ठेके पर मुलाजिम हैं, चाहे वो रोड कर्मचारी हैं, चाहे वो अपना टीचर है, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, जो सभी इस समय जो पूरे धरना प्रदर्शन पर शामिल हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां अगर बात की जाए अध्यापकों की, तो अध्यापक जो है कभी मोहाली में, कभी पटियाला में और कभी बठिंडा में अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आज मोगा की बात करूं, तो मोगा यहां पर आज कांग्रेस प्रदेश के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के आने का जब समाचार मिला, तो ये सभी लोग जो है हजारों की गिनती में यहां पर इकट्ठे हो गए पैलेस के बाहर, जहां पर सिद्धू साहब ने आज कांग्रेसी वर्करों से बात करनी थी। उनके आने से पहले ही जो है यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया और उनके घराव की तैयारी की जा रही है, और ये सभी लोग यही कहते हैं कि जो सरकार ने वायदे किए हैं वो पहले वायदे पूरे करें, उसके बाद हमारी जो है बात मांगे हैं वो पूरी करें। लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई भी जो मंत्री है वो सब लॉलीपॉप देकर यहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और यहाँ पर ठेका मुलाजिमों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि एक महीना पहले सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे, आप एक हफ्ते का समय दीजिए, लेकिन एक महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ठेका मुलाजिमों को उनका वादा पूरा करने की बात नहीं कही जा रही है। चलिए इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के नेता नवदीप भी जुड़ गए हैं। नवदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। सबसे पहले थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू वेरी मच जी। नवदीप जी, यहाँ पर ठेका मुलाजिम लगातार परेशान है, कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही उनको नौकरी पर
पक्का किया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको और इस तरीके को, इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है? देखिए अंकुश जी, वादे पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो बहुत सारे वादे किए गए, यहाँ तक के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब हाथ में पकड़ के तलवंडी साबो जो एक तीर्थ स्थान है वहां पर एक कसम खाई थी कि मैं पंजाब में नशा खत्म कर दूंगा, पंजाब के सभी नौजवानों को रोजगार दूंगा और पंजाब के जो बेरोजगार नौजवानों को जो अनएम्प्लॉयमेंट को भत्ता जिसे बोलते हैं वो दूंगा, लेकिन पंजाब में एक भी वादा जो है पूरा नहीं किया गया। और उसके तरह दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी तक इनके खिलाफ बोल रहे थे कि जो पंजाब में माफिया चल रहा है, पंजाब में केबल माफिया चल रहा है, ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है, तो आज जब उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया तो मेरे हिसाब से उनके सभी माफिया भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो लोगों में एक रोष है कि जो कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आई थी और उनको जो नवजोत सिद्धू जो बार 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 उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे आज प्रेसिडेंट बन के उसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज वो सभी वादों को जो है भूल चुके। नवदीप जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ, आपको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको कि आखिरकार पंजाब सरकार इस वादे को क्यों पूरा नहीं कर पा रही है? जो ठेका मुलाजिम है इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको केवल पक्का करने का फैसला लेना है, ऐसे में सरकार के सामने वो क्या परेशानी होगी, क्या परिस्थितियां होगी कि ऐसी सरकार फैसला ले नहीं पा रही है? देखिए पहली तो बात ये है कि अगर आज पंजाब में हर तरह के माफिया पर कंट्रोल किया जाता पंजाब का रेवेन्यू बढ़ता। जो मनप्रीत सिंह बादल है, फाइनेंस मिनिस्टर है, देखिए वही मनप्रीत सिंह बादल उस टाइम अकाली दल में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो जी वही प्रॉब्लम्स जो फाइनेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो अकाली दल की गवर्नमेंट में थी, स्टिल 2002 से 2007 की गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो प्रॉब्लम उस समय थी वही चल रही है कंटिन्यूसली। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ है पंजाब में, कोई भी मतलब के मेरा कहने का मतलब है कि एक फैमिली से पावर दूसरी फैमिली में चली गई, बादल फैमिली से पावर कैप्टन फैमिली में चली गई है और वो जो धंधे हैं गोबर धंधे हैं, चाहे अपना केबल माफिया का है और रेप माफिया का है, सभी तरह के जो ये जो धंधे हैं उसी प्रकार चल रहे हैं, ट्रक माफिया उसी तरह चल रहा है, ट्रक पैडलर शरियाम अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनको चेक करने के लिए कोई भी ऐसा उन पर शिकंजा नहीं कर जी। नवदीप जी आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विनोद बंसल जी आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल है कि ठेका मुलाजिम लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने वादा किया था लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है, लंबा समय हो गया प्रदर्शन करते हुए, तो सरकार के सामने ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि सरकार करोड़ों के टेंडर तो विकास के लिए जारी कर देती है लेकिन जब ठेका मुलाजिमों को पक्का करने की बात सामने आती है तो सरकार के सामने ऐसी क्या परिस्थिति है, क्या परेशानी है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा? सरकार उसमें बड़ी गतिशील है, आपको पता होगा कि सरकार मीटिंग्स कर रही है, लेकिन आपको ये पता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा है इसमें, तो हर चीज को देखो, ऐसे कोई बात अगर कर दी जाए उसका एस्पेक्ट ना देखा जाए तो फिर बात उससे भी ज्यादा खराब होती है। सो सरकार उस पर लगी हुई है, होपफुली के जो भी बेस्ट हो सकता है दे विल डू इट। नहीं, विनोद बंसल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि पेच कहाँ पर फंसा हुआ, पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? देखो आप सीधी सीधी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा 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 कोई तर्क दीजिए ना जिससे कि मैं भी संतुष्ट हो जाऊं और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी संतुष्ट हो जाए। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है जी, तो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतना इनबैलेंस कर दिया पंजाब को कि अब खुश नहीं आने देते, ठीक है? तो जो इसमें सर आपको सर जो आपने वादा किया सरकार ने तो आपको सोचना चाहिए था, बोल देते भैया हमारे पास कर्ज है हम नहीं कर सकते पक्का। हर सरकार चाहेगी कि हमारे जो प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे मुलाजिम खुश हो, हमारे सूबे के लोग खुश हो, ऐसी बात नहीं है। सरकार करना चाहती है लेकिन उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आपने ब्रह्म मिश्रा जी के सुना होगा कि वो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि कितने साल वालों को पक्का करना है, ऐसी कुछ स्थिति चल रही है, तो जल्दी ही इसमें समाधान हो जाएगा जी। अंकुश जी चले, विनोद बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नवदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर लंबे